हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोफिया गोयल और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स को। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि रिएक्ट में देखो दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट्स और दूसरे होते हैं फंक्शन बेस्ड कॉम्पोनेंट्स। तो क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट जो पहले बनाए गए थे उनमें सिर्फ स्टेट मैनेजमेंट सिर्फ क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट में हो सकती थी। मतलब कि जब रिएक्ट स्टार्ट हुआ था तो स्टेट मैनेजमेंट सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हो सकती थी, लेकिन अब हुक्स की हेल्प से वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में भी हो सकती है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे होती है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, सेट स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी यू नो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को हमने वहाँ पर कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी पहले आप वो वीडियो जाके देखो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको नहीं देखना है या फिर आपको सिर्फ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट कवर करने हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ इजीली हो जाएगा। बट मेरी रिकमेंडेशन इसलिए रहती है क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी को पढ़ने जा रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आप जान लोगे तो आपके लिए बेटर ही होगा। चलिए बात करते हैं फंक्शन बेस्ड कॉम्पोनेंट की। तो फंक्शन बेस्ड कॉम्पोनेंट में स्टेट इंट्रोड्यूस कैसे हुई? स्टेट इंट्रोड्यूस हुई हुक्स की हेल्प से। अब हुक्स क्या होते हैं? हुक्स भी एक टाइप के रिएक्ट कंपोनेंट्स भी होते हैं विच इज़ यूज टू हुक स्टेट एंड लाइफ साइकिल इनटू फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स। तो पहले क्योंकि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट नहीं थी तो लाइफ साइकिल भी नहीं थी। लाइफ साइकिल के बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फॉर श्योर, बिकॉज वो एक कोर बैकबोन है रिएक्ट की जो आपको पता होनी चाहिए। पर ये सारी चीज़ें जब नहीं थी तो फिर हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हुक्स जो है वो एक तो रिएक्ट की ही हुक्स आती हैं ऑलरेडी जो आपको मिली हुई होती है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा रिएक्ट ने हमको ऑप्शन दिया है कि हम अपनी कस्टम हुक्स भी क्रिएट कर सकें, जिसमें कि हम अपना कस्टम कोड लिख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बस बता दिया है लेकिन यूजिबिलिटी आगे समझ आएगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारे पुराने वाले बेसिक फंक्शन बेस्ड कॉम्पोनेंट को जो हमने पहले भी बनाया था। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार क्या चल रहा है उसमें। फाइन, तो ये देखिए ये हमारा एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट था जिसमें हमने इसको एक फंक्शन की तरह ही बनाया है, एक एरो फंक्शन की तरह। और इसमें क्योंकि हमारा जो भी फंक्शन होता है उसमें हम रिटर्न भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कर दिया एक डिफ को। इसके बाद हमने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया और फिर हमने यहाँ ऐप जे एस में जाके इस फंक्शन को इम्पोर्ट कर लिया। यहाँ अगर आप देख रहे हो, आप पहली बार ये वीडियो देखने आए हो, तो ये हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट था जिसको हमने कमेंट आउट कर दिया है और यहाँ हमने ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाके कॉल करूँ तो आप देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे अगर चेक करूँ तो हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम फंक्शन जय पीलो वेलकम टू फंक्शन, यही एग्जैक्टली हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया एक सिंपल स्टेटलेस बेसिक सा फंक्शन बेस्ड कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब स्टेट कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले मैं समझती हूँ कि स्टेट की नीड भी होनी चाहिए। तो अगेन हम अपना वही यू नो काउंटर वाला घिसा पिटा एग्जाम्पल बना लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ऐड करेंगे बटन, सॉरी नॉट दिस बटन, दिस बटन नॉर्मल, ओके, इसका नाम वही रखा क्लिक मी। ठीक है, और यहाँ पे हम उस काउंट को चेक करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया काउंट इज, और जो भी काउंट आएगा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट मैनेजमेंट के लिए जो हुक होती है वो होती है यूज स्टेट हुक। ओके, अब जो ये यूज स्टेट हुक है इसको कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे हम गए कॉन्स्ट। अब यहाँ पे जो भी मेरे को मेरी स्टेट का नाम रखना है, मान लो मैंने मुझे नाम रखना है काउंट, तो ये तो मेरी हो गई स्टेट। उसके बाद उस स्टेट को सेट करने के लिए एक फंक्शन का नाम भी देना पड़ता है, तो वो हमने दे दिया सेट काउंट। फाइन, और उसके बाद हमने लिख दिया यूज स्टेट, और यहाँ पे एक इनिशियलाइजर हमको देना होता है फॉर दैट स्टेट वैल्यू। तो जो काउंट है उसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे ये काउंट यहाँ पे चाहिए तो उसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया काउंट इज जीरो। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग हो, थोड़ा अच्छे से दिखे, जो मैंने पहले अपने क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट में भी किया था, तो मैं वही स्टाइल वहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके डाल दिया। अब आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। फाइन, अब यहाँ पे हमारा काउंट आ गया। अब हमें फंक्शनैलिटी कैसी बनानी है कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें यहाँ पे हमें काउंट दिखे इंक्रीमेंट होता हुआ, जो कि अभी नहीं हो रहा है।
तो मेरे को क्या चाहिए होगा, एक क्लिक पे फंक्शन चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया ऑन क्लिक, या इसको नहीं बनाते पहले फंक्शन बना लेते हैं, उसको फिर कॉल करेंगे बाद में, है ना। तो यहाँ पे हमने बना लिया कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, है ना। और यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, देखो ये हमारा जो फंक्शन था सेट काउंट, ये काउंट मतलब ये स्टेट को सेट करने के लिए बना था, है ना। तो सेट काउंट और ये हमारी स्टेट वाला काउंट, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, सिंपल, है ना। अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ऑन क्लिक इज इक्वल टू इंक्रीमेंट। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि रिएक्ट ने हमको ये फंक्शंस बना के दिए हुए हैं, विच आर नॉट लाइक जावास्क्रिप्ट स्मॉल केस फंक्शन, ये कैमल केस वाले फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में बात हम आगे वाले वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो ये ऑन क्लिक पे हमने इंक्रीमेंट को कॉल कर दिया, काउंट सेट हो गया। अब यहाँ पे हमको नया काउंट मिल जाना चाहिए, सिंपल एज दैट। देखो क्लिक मी 1 2 3 4, है ना, कितना सिंपली बन गया, स्टेट मैनेज हो गई, स्टेट यूज़ हो गई। आपने अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट का वीडियो देखा होगा या आपको पता होगा कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत बहुत सिंपल है। ना यहाँ पे कोई दिस का झंझट है, ना यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ रहा है, ना यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग का झंझट है। कितने आराम से, कितने प्यार से, कितना ईजिली हमने एक छोटा सा कोड लिखा और उसमें सारा कुछ कर लिया। कोई लंबे लंबे कोड्स नहीं लिखने, कुछ नहीं करना। इसको रिएक्ट ने बहुत प्रिसाइज कर दिया फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स के साथ। चलो अब ये चीज़ हो गई। अब ना मैं ये सोच रही थी कि इस एग्जांपल से क्या होता है ना, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब हम रिएक्ट पे आई गए तो थोड़ी सी यूजिबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं, फाइन। तो मेरे दिमाग में तो एग्जांपल ये आया है कि एक दो बटन बनाते हैं और उससे हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करने की कोशिश करते हैं उनको क्लिक करने पे बार बार, फाइन। तो काउंट को हटा देते हैं, मैंने रख लिया पहले हम, चलो अभी काउंट रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ना बटन बना लिया, इस ऑन क्लिक को हटा दो और इसका नाम रख दिया चेंज, सॉरी चेंज टू रेड, और इसी के जैसा दूसरा बटन बना लिया और दूसरा कलर हमने रख दिया ग्रीन, है ना, चेंज टू ग्रीन। ये दो बटन बन गए हमारे। सेम लाइन में ना रखने के लिए मैं फिलहाल सिर्फ ब्रेक लाइन डाल रही हूँ जिससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। देखो यहाँ चेंज टू रेड और चेंज टू ग्रीन, इस पे जब क्लिक करोगे, अब ये डिव है पूरा इसका, तो इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है। सबसे पहले हम एक डिफॉल्ट स्टेट सेट कर लेते हैं, कलर सेट कलर, है ना, और इसको हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी रेड, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया स्टाइलिंग में बैकग्राउंड कलर, वो हमने यहाँ पे दे दिया कलर, फाइन। अब देखो ऑटोमेटिकली रेड आ गया। अब मुझे चाहिए कि जब मैं ग्रीन पे क्लिक करूँ तो ग्रीन हो जाए, रेड पे क्लिक करूँ तो रेड हो जाए। तो बेसिकली अब हमको क्या करना है कि हमको ये बटन के क्लिक पे इनके कलर को चेंज करना है, ठीक है। तो जब हम रेड पे क्लिक करेंगे तो कलर हो जाना चाहिए रेड, और ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो कलर हो जाना चाहिए ग्रीन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक दे सकते हैं। ये वाली चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि ये जावास्क्रिप्ट वाला ऑन क्लिक नहीं है कि सारा स्मॉल में हो गया, ये रिएक्ट ने हमको दिए हुए हैं, तो इसमें कैमल केसिंग होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी डायनामिकली स्टेट से सेट हो रहा है, तो स्टेट अपडेट होगी तो बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो जब मुझे रेड करना है तो मुझे स्टेट का कलर चेंज करना पड़ेगा रेड में, है ना, सेट कलर रेड। और जब मुझे ग्रीन करना होगा तो मुझे मेरी स्टेट का कलर करना पड़ेगा ग्रीन, फाइन, है ना। तो ये देखो ये हो गया चेंज टू ग्रीन, चेंज टू रेड, चेंज टू ग्रीन, चेंज टू रेड, अपने आप चल रहा है। अब मैं अगर इसमें एक इम्प्रूवमेंट देखने की कोशिश करूँ, तो देखो अगर ये रेड है तो इसे चेंज टू रेड करने का कोई पॉइंट नहीं है, सिमिलरली ग्रीन है तो बार बार इसको प्रेस करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको डिसेबल कर देते हैं कि मान लो अगर ग्रीन कलर है तो चेंज टू ग्रीन डिसेबल हो जाए, और रेड कलर है तो चेंज टू रेड डिसेबल हो जाए, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इस एक्सरसाइज को आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं तो बता ही दूंगी। तो यहाँ पे देखो आपको पता होगा कि बटन पे एक डिसेबल प्रॉपर्टी होती है। अब हमको इसको ट्रू करना है। ट्रू कब करना है, देखो अगर ऑलरेडी कलर रेड है तो हमें चेंज टू रेड नहीं चाहिए, तो कलर इक्वल टू रेड होगा तो ये हमारा जो बटन है वो डिसेबल होना चाहिए।
सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। अगर कलर इक्वल टू ग्रीन होगा तो ये हमको यहाँ पे इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन है तो दोबारा ग्रीन प्रेस करके क्या करोगे, ऑलरेडी रेड है तो दोबारा रेड प्रेस करके क्या करोगे। तो अब देखो यहाँ गए, अब देखो ये ऑलरेडी ग्रीन था, पिछली बार हमने ग्रीन किया था तो इस वजह से ये बटन डिसेबल हो गया। अब देखो जब ये रेड हुआ तो ये डिसेबल हो गया, ग्रीन इनेबल हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो आई होप आपको यहाँ से इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मुझे लगता है थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा इसको सॉल्व करने में। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और छोटी सी आपको बताना चाहूँगी, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं और बड़ी कन्फ्यूजन होती है जब पूछते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि जो ये स्टेट मैनेजमेंट है यहाँ पे और जो क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट में सेट स्टेट होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पे वी कैन हैव मल्टीपल यूज स्टेट्स, मतलब हमारे पास मल्टीपल स्टेट हो सकते हैं और हम मल्टीपल यूज स्टेट बना सकते हैं। मेरा कलर वन, सेट कलर वन, कुछ भी नाम रख दो, उसकी वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हो। तो हम काफ़ी सारी स्टेट्स अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट होती है जिसके ऑब्जेक्ट में आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। यानी कि अगर मैं बोलूँ वहाँ पे जो मैं स्टेट बनाऊँगी ना, तो उसमें मुझे अगर कलर और कलर वन चाहिए तो मेरे को फिर ऐसे रखना पड़ेगा कलर, ठीक है, समथिंग समथिंग समथिंग, और सॉरी ये मेरा वो चल गया एमिट, ठीक है। और अगर मैं कलर वन बनाऊंगी तो मुझे दूसरा इसी, लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा पूरी स्टेट का वो एक ही ऑब्जेक्ट होगा, फाइन, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे वहाँ पे। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं दूसरे इसकी बात करूँ कि अब इससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, तो बेनिफिट हमको ये हो रहा है कि जब हम एक ही स्टेट के ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या दिक्कत आएगी, हमें दिक्कत ये आएगी कि हमें सारी प्रीवियस वैल्यूज़ को भी स्टोर करना पड़ेगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जब कलर वन अपडेट किया तो कलर की प्रीवियस वैल्यू ना उड़ जाए वहाँ से, या वहाँ से रिप्लेस ना हो जाए। सिमिलरली मैंने कलर अपडेट किया तो मेरा कलर वन वहाँ से ना रिप्लेस हो जाए, और ऐसे करके एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी बन सकता है जिसको मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये स्टेट्स हैं दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे आप इनको इंडिपेंडेंटली अपडेट कर सकते हो। काफ़ी सारी एक बड़ी स्टेट को एक मल्टीपल स्टेट्स में, या फिर हर एक यूज़ केस के हिसाब से एक मल्टीपल स्टेट आप क्रिएट कर सकते हो जो कि इंडिपेंडेंटली अपडेट हो सकती है, इंडिपेंडेंटली यूज़ हो सकती है। तो ये काफ़ी बड़ा सेग्रीगेशन हो गया जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है फंक्शन बेस्ड कॉम्पोनेंट्स में। तो मेरे हिसाब से तो यही डिफरेंसेस होते हैं और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में हम रिएक्ट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना। एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।